देखिए, अगर आपके आईफोन में कैमरा ऑन करते वक्त इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करें, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ब्लैक कैमरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको जनरल पे जाना है और यहाँ पर दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम और एक हार्डवेयर की प्रॉब्लम। तो पहले मैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा, जिससे आपकी 80% प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से होती है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को सही कर लेते हैं तो आपका कैमरा सही हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है और यहाँ पर मेक श्योर कर लेना है कोई अपडेट तो नहीं आया है। अगर अपडेट आया है तो उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से, जैसे मुझे अपडेट आया है। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बग फिक्सेस। तो अपडेट क्या करता है, आपके फ़ोन में जो भी बग आते हैं उन्हें वो फिक्स कर देता है। तो उनमें ज़्यादातर कभी कभी कैमरे का भी फिक्सेस होते हैं, तो आपका कोई बग होगा तो अपडेट से वो सही हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको यहाँ पर सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। आपको चले जाना है सेटिंग्स में और उसके बाद यहाँ पे आना है आपको जनरल में, और यहाँ देखिए आप देख पाएंगे ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन। तो डरना नहीं है, यहाँ पर आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं करवाने वाला हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर देखिए आप यहाँ से रीसेट करते हैं, रीसेट पे क्लिक करते हैं, तो आपको ओनली रीसेट ऑल सेटिंग्स पे करना है। यहाँ से आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। देखिए कभी कभी आपके फ़ोन में बग आ जाता है या फिर आप कैमरे की सेटिंग्स में जाकर कुछ भी गलत सेटिंग्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे कर लिया है, ठीक है। अब एंड में अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो हो सकता है आपके फ़ोन में हार्डवेयर प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका फ़ोन कहीं गिर गया होगा या वाटर, उसमें पानी चला गया होगा, कुछ भी इशू होगा, तो ये एक हार्डवेयर इशू है। और अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो सर्विस सेंटर आप लेके जाएंगे तो ये प्रॉब्लम को आप फ्री में सॉल्व करके दे देंगे आपको सर्विस सेंटर वाले। बट अगर वारंटी में नहीं है तो 1000 से 2000 तक ये खर्चा आएगा, क्योंकि कैमरा बहुत कॉस्टली रिपेयर होता है, तो कैमरे में ज़्यादा खर्चा आता है। तो कुछ पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।